Hello everyone, welcome back to my study channel. So friends, today I'm here with a very important thing. आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important चीज़ लेके आई हूँ. It is basically for the small kids who are using internet. ठीक है, जो छोटे बच्चे अब internet use कर रहे हैं, ये specially उन बच्चों के लिए है. Like school going students, है ना? So ये है कुछ safety tips for children. I know कि ये education purpose से ज़्यादा important नहीं है, but For you kids, it is very important. For all the children who are using internet, it is very important. So these are some of the useful tips to follow while using internet. So without wasting time, let us revise these. I would be telling you what to do and what to not do. मैं आपको do's और don'ts बताने वाली हूँ जो आपको internet use करते समय करने हैं. Okay? Hey kids, don't chat with strangers. सबसे पहली चीज है कि आपको strangers के साथ चैट नहीं करना है. द मेन थिंग, फर्स्ट थिंग हम बात करते हैं. योर पेरेंट्स आर राइट व्हेन दे से डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. एज फार एज पॉसिबल नेवर टॉक विद स्ट्रेंजर्स इन चैट रूम. यू रियली डोंट नो हु द पर्सन इज दैट यू आर चैटिंग विद बिकॉज यू कांट सी और इवन हियर द पर्सन इफ And it would be very easy for someone to mislead you. Matlab ki, what is the meaning? Let's see, we have written. आपके माता पिता सही हैं जब वे कहते हैं कि अजनबियों से बात ना करें. जहां तक संभव हो चैट रूम में अजनबियों से बात ना करें. आप वास्तव में नहीं जानते हैं कि वे व्यक्ति कौन है जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं. इसलिए किसी के लिए आपको गुमराह करना बहुत आसान होगा. आई होप आप समझ गए हैं इस बात को. सेकेंड इज आस्क योर पेरेंट्स एंड सर्व. अपने पेरेंट्स को पूछ के ही सर्व करें. ओनली सर्व व्हेन योर पेरेंट्स हैव गिवन यू परमिशन. देयर इज अ रीजन व्हाई दे रिस्ट्रिक्ट योर सर्विंग एरिया एंड यू शुड लिसन टू देम. केवल वही सर्व करें जहां आपके माता पिता ने आपको अनुमति दी है. दे हैव गिवन यू द परमिशन. एक कारण ये है कि वो आपके सर्फिंग क्षेत्र में प्रतिबंधी लगाते हैं, है ना, और आपको उनकी बात सुननी चाहिए. इफ अ वेबसाइट लुक्स सस्पिशियस और हैज वार्निंग पेज अबाउट यू बीइंग अंडर एज, लीव इमीडिएटली. अगर आपको कोई साइट ऐसी दिखती है, मतलब अजीब सी दिखती है, या फिर उसके ऊपर कोई वार्निंग पेज आ रहा है कि आप अंडर एज हैं, तो उस साइट को उसी वक्त यू हैव टू लीव. सम साइट्स आर नॉट मेंट फॉर किड्स. आई हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. कुछ साइट्स जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए नहीं बनी हैं, वो बड़े के लिए है. इफ यू कम अक्रॉस अ साइट दैट आरंट श्योर अबाउट, आस्क योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को पूछिए उसके बारे में. डोंट डाउनलोड एनी एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरनेट दैट आर फ्रॉम क्वेश्चनेबल साइट्स. कोई भी ऐसी साइट जो हो जो आपके लिए नहीं है, अगर उसमें से आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें. सम साइट्स हैव वायरसेस विच कम फ्री विद द डाउनलोड्स, है ना. कुछ साइट्स के पास वायरसेस होते हैं जो डाउनलोड्स के साथ फ्री में ही आ जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल विद डाउनलोड्स. बेटर बी सेफ देन सॉरी. हाँ, सेफ रहना बेटर है बाद में सॉरी फील करने से. तो यदि कोई वेबसाइट संदिग्ध, है ना, संदिग्ध लगती है या आपके कम उम्र को के होने के बारे में चेतावनी प्रश्न है, तो तुरंत छोड़ दें. ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो संदिग्ध है, है ना, संदिग्ध है, या फिर आपकी जो है अंडर एज होने की या फिर कम उम्र होने की वो चेतावनी जो है आपको दिखाती है, प्रश्न करती है, तो आप उस वेबसाइट को तुरंत छोड़ दें. कुछ साइटें बच्चों के लिए नहीं होती हैं, खोज करने ना जाएं. डोंट सर्च. ओके, यदि आपको ऐसी साइट पर आते हैं जिसके बारे में आप निश्चित नहीं हैं, तो अपने माता पिता से पूछें
इंटरनेट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जो संदिग्ध वेबसाइट से हो। कुछ साइटों में वायरस होते हैं जो डाउनलोड के साथ मुफ्त आते हैं, इसलिए डाउनलोड से बहुत सावधान रहें। माफी मांगने से बेहतर है सुरक्षित रहें। नेक्स्ट इज अबाउट पासवर्ड्स। ओके, सो पासवर्ड्स आर अ सीक्रेट, सो डोंट गिव आउट योर पासवर्ड्स टू एनीवन। डोंट फिल एनी ऑनलाइन फॉर्म विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स। नेवर पुट योर ईमेल पासवर्ड ऑन एनी वेबसाइट वाइल रजिस्टरिंग। पासवर्ड गुप्त होते हैं, इसलिए अपना पासवर्ड किसी को ना दें। अपने माता पिता से पूछें, बिना कोई भी ऑनलाइन फॉर्म ना भरें। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय कभी भी अपनी ईमेल पासवर्ड जो है किसी भी वेबसाइट पर ना डालें। नेक्स्ट इज ईमेल सेफ्टी। ओके, ईमेल सेफ्टी। सो ईमेल सेफ्टी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेवर ओपन अप एनी ईमेल और अटैचमेंट दैट यू रिसीव फ्रॉम पीपल यू डोंट नो। आस्क योर पेरेंट्स टू योर parents to look it at first। यहाँ पे दो बार हो गया, ask your parents to your parents हो गया। So ask your parents, yes, ask your parents to look at it first। Sometimes emails may contain viruses which can harm your computer। Ask your parents to install the latest antivirus programs। Okay, so ऐसे लोगों से प्राप्त होने वाले किसी भी ईमेल या अटैचमेंट को कभी ना खोलें जिससे आप नहीं जानते। अपने माता पिता से ये देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, इट इज रिपीटेड। अपने माता पिता से पहले इसे देखने के लिए कहें। कभी कभी ईमेल में वायरस हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने माता पिता से नवीनतम मीन्स न्यूएस्ट या फिर लेटेस्ट एंटीवायरस जो है प्रोग्रामर्स स्थापित करने के लिए कहें। नेक्स्ट इज कीप अ वॉच, एक नजर रखें। इफ समवन इज सेंडिंग यू ईमेल यू डोंट लाइक, टेल योर पेरेंट्स। नेवर रिप्लाई टू ईमेल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। इफ यू हैव गॉट एन ईमेल अटैचमेंट इवन फ्रॉम अ नोन पर्सन, डू अ वायरस स्कैन बिफोर ओपनिंग। यस, आजकल तो ये वायरस स्कैन वाला जो सिस्टम है दैट इज ऑटोमेटिक। वेन एवर यू ओपन समथिंग यू द वायरस स्कैनिंग इट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली, है ना, खुद ही ऑटोमेटिकली वायरस स्कैनिंग हो जाती है। बट फिर भी कीप अ वॉच। अगर कोई आपको ईमेल भेज रहा है तो आपको अपने माता पिता को बताना पसंद नहीं है। अजनबियों के ईमेल का जवाब ना दें, कभी भी ना दें। यदि आपको किसी ज्ञात व्यक्ति से भी कोई ईमेल अटैचमेंट मिला है तो खोलने से पहले एक वायरस स्कैन करें। चाइल्ड सेफ ब्राउजर्स। आस्क योर पेरेंट्स टू इंस्टॉल डाउन चाइल्ड सेफ ब्राउजर्स मेंट फॉर चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए ही बने होते हैं। वो ब्राउजर्स डाउनलोड करने के लिए अपने पेरेंट्स को कहिए। दीज ब्राउजर्स आर कलरफुल एंड फन। दीज ब्राउजर्स हेल्प एंड गाइड you to visit good and safe sites and automatically protect you from the bad ones। अपने माता पिता से बच्चे के लिए okay, wait a minute, बच्चे के लिए सुरक्षित ब्राउजर स्थापित करने के लिए कहें। ये ब्राउजर रंगीन और मजेदार हैं। ये ब्राउजर आपको अच्छी और सुरक्षित साइटों पर जाने में मदद और मार्गदर्शन करते हैं और स्वचालित रूप से आपको बुरे लोगों से बचाते हैं। सेट योर टाइम, डोंट स्पेंड ऑल योर टाइम ऑनलाइन। सेट अ लिमिट ऑन योर कंप्यूटर यूज। कीप योर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट साइट्स यू विजिट। डोंट स्पेंड ऑल टाइम ऑनलाइन। सेट अ टाइम लिमिट ऑन योर कंप्यूटर, है ना, एंड इट्स सेम ओनली। So guys, this was our today's topic. I hope you liked it. Now, this was a very new topic. It was very unique. हमने इसको पढ़ा, हमने इसको हिंदी में भी पढ़ा। आपको कुछ सीखने को मिला। I know कि छोटे बच्चे हैं, उनको तो सीखने को मिला ही है। But जो बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है ख़राब नहीं है।
ये दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए स्पीक इंग्लिश कोर्स वाली वीडियो भी है। यस, दिस वीडियो इज गिविंग यू मैनी 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 न्यू लाइन्स, है ना? इट इज गिविंग यू मैनी मैनी न्यू लाइन्स फ्रेंड्स। सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी फॉर फ्लुएंसी। So thanks for watching this video friends. I hope you all like this video. The topic was really interesting today. I even feel like teaching it again, but we don't have time. We are short of time. It was wonderful to have this session with you all. I hope you all like this session. Aap is session ko share kijiye. Share it to all, hai na? Share it with all. Small kids, hai na? Share it with small kids. There are many children in our relatives, na? They are small, they are attending online classes, they are using internet, they are doing homeworks, they are attending lectures, many more things they are doing online. They are playing games online, hai na? The curse to the environment, to the kids. So, that's all for today. So be safe while using internet. This was the main motive. If you want to learn, you can learn many things from this video as well. And it was a part of Speak English with Fun. And it was a part of interactive learning as well. So bye bye kids. Have fun and be safe. Follow these instructions which I have given. Thanks for watching once again. Take care. Stay safe. Stay healthy. Use internet safely. Bye bye.